कोश मुलोडन। राज्य के लिए सेना से बड़ा है खजाना, क्योंकि धन है जन कल्याण की मुख्य आवश्यकता, और उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता। हमें तुम जानते हो ना किसके ऊपर हाथ डालने जा रहे हो? अगर वहां कुछ नहीं मिला तो सबसे पहले जो वो चीज तोड़ेगा वो होगा कानून। अजय देवगन की बैक टू बैक मूवीज आई हैं इस साल, लेकिन इस लिस्ट में अब एक और नाम जुड़ने वाला है। जी हाँ, शैतान, दृश्यम 2, भोला और रेड एक से बढ़कर एक, मगर अब इसी तरह की सस्पेंस और एक्शन थ्रिल से भरी हुई रेड का सीक्वल पार्ट आ रहा है, रेड 2। तो भाई, अजय देवगन की 2024 में 4 मशहूर फिल्में रिलीज होंगी एक साथ। इस लिस्ट में अब ये मूवी भी शामिल हो चुकी है। पहले शैतान रिलीज हुई, अब सिंघम अगेन का इंतजार है, और उमे कहा दम था मैदान, और अब रेड 2। इस फिल्म में अजय देवगन IRS ऑफिसर होंगे, जिसका नाम होगा अमय पटनायक। इस क्राइम ड्रामा मूवी को डायरेक्ट किया है राजकुमार गुप्ता ने। फिल्म को बड़े पर्दे पर इसी साल की आखिर में नवंबर 15 को लाया जाएगा। फिल्म का बजट होगा 200 करोड़। तो भाई, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मूवी जो है वो बेस्ट होगी और बीट कर जाएगी बाकी तमाम मूवीज को, यानी अजय की सिंघम अगेन, जिसको मोस्ट अवेटेड फिल्म भी कहा जा रहा है 2024 का, तो उसको भी शायद ये मूवी बीट कर जाए। इस फिल्म की बात करें तो इस फिल्म में विलन का किरदार अदा कर रहे हैं रितेश देशमुख, जिन्हें कौन नहीं जानता। एक विलन में एज अ विलन किरदार अदा करने वाले आई कैप्चरिंग एक्टिंग के साथ, जिसको हम सब ने बहुत पसंद किया था, इस फिल्म में भी इतनी ही धासु एक्टिंग के साथ वो विलन बनेंगे दोबारा। वैसे ये साल अजय देवगन के लिए 50-50 रहा है। मैदान के फ्लॉप और शैतान के ब्लॉकबस्टर के दरमियान फंस गई है इनकी कहानी। अब बाकी मूवीज में से कौन सी मूवी ज्यादा हिट जाने वाली है ये तो पता चलेगा रिलीज के साथ ही। तो क्या आप भी तैयार हैं धमाके मूवी के लिए? तो भाई कमेंट में यस लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। मजीद ऐसी एंटरटेनमेंट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।